الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح حيطانا. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह ताला पर भरोसा करो इस तरह से जैसा कि उस पर भरोसा करने का हक है, वो तुम्हें इस तरह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जिस तरह से कि परिंदों को रिज़्क़ अता फरमाता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं, भूखे निकलते हैं और शाम को भरे पेट वापस आते हैं। तवक्कुल, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करना, अपने कामों को अल्लाह के हवाले करना, ये एक अच्छी सिफत है और ये ईमान के समरात में से है, ईमानी औसाफ में से है। क्योंकि एक मोमिन जो अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह की मदद पर यकीन रखता है, अल्लाह ताला के खालिक मालिक और राजिक होने पर यकीन रखता है, हामी और नासिर होने पर यकीन रखता है, तो वो उस पर ज़रूर भरोसा करे। हालांकि तवक्कुल का मफहूम समझने में बाज़ मरतबा गलती भी हो जाती है कि असबाब को छोड़ना और ये समझना कि अल्लाह ताला काम बनाएगा, तो ये जो रवैया है ये मतलूब नहीं है शरीयत के अंदर। असबाब को छोड़ना मतलूब नहीं है, बल्कि असबाब बकदरे ज़रूरत और बकदरे हुक्म अपनाना और फिर अल्लाह ताला पर एतमाद और भरोसा करना, असबाब को अपनाने के बाद भरोसा करना और मुतमईन रहना, ये है। इस हदीस में भी अगर आप देखेंगे तो ये मतलूब नहीं है कि आप रिज्क के लिए असबाब इख्तियार ना करें, क्योंकि तो क्या फरमा रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे परिंदों को रिज्क देता है इसे रिज्क देगा। वो सुबह के वक्त में खाली पेट निकलते हैं, शाम को भरे पेट वापस आते हैं। तो परिंदे घोंसले में बैठे नहीं रहते हैं, निकलते हैं, जो बताया गया है निकलते हैं, रिज्क की तलाश करते हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला उनका पेट भर देता है। रिज्क की तलाश करना इससे भी मुखालिफ नहीं मालूम हो रहा इस हदीस से भी, कि ये मतलब नहीं है कि आदमी बैठा रहे, बल्कि असबाब इख्तियार करे और मुतमईन रहे। उसमें असबाब में गुलू करना और असबाब में इतना मुनहमिक होना कि अल्लाह ताला की तरफ ध्यान ही ना जाए, ये तो ज़रूर तवक्कुल के खिलाफ, लेकिन असबाब इख्तियार करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, ये शरीयत से ये बात मालूम होती है। तो बहरहाल हम लोगों के अंदर तवक्कुल और एतमाद अल्लाह की भी बड़ी कमी है। हम लोग अल्लाह के ऊपर भरोसे में बड़े
कच्चे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें तवक्कुल का सबक लेना चाहिए, अल्लाह के नबियों की जिंदगी से। एक वाकया, बल्कि एक दो वाकयात आपको हम सुनाते हैं तवक्कुल के बारे में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे में वापस तशरीफ फरमा हो रहे थे। अलग अलग तौर पर लोगों ने क़याम किया, एक मंजिल में बिछड़ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक बबूल के दरख्त के नीचे आराम फरमा थे, और आपने अपनी तलवार लटका दी थी बबूल के दरख्त से। तलवार थी आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह, तो असबाब आपके पास थे उस वक्त भी। फिर आप आराम फरमा थे, इतने में एक दुश्मन आया और उसने आपकी तलवार छूट ली और आप बेदार हो गए। उसने तलवार सूखते हुए कहा कि तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे, तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं। यही तवक्कुल है, डरना नहीं, घबराना नहीं, परेशान न होना। मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर यकीन रखना कि अल्लाह ताला ज़रूर, अल्लाह ताला हमारी किफ़ायत फरमाएगा। ومن يتوكل على الله فهو حسبه, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी होगा। आपने उस वक्त और क्या किया जा सकता था, अल्लाह ताला का नाम लिया कि अल्लाह ताला बचाएगा, यह है भरोसा, और अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई, वो कांप गया। अल्लाह, आपने जो अल्लाह का नाम लिया तो उसकी हालत दिगर हो गई, वो कांपने लगा और तलवार गिर गई उसके हाथ। फिर आपने तलवार ली, फिर उससे कहा तुम्हें कौन बचाएगा, तो वो आपसे माफ़ी मांगने लगा और कहा कि आप तो अच्छे अखलाक वाले हैं, आप हमें माफ़ कर दीजिए, अल्लाह को नहीं मानता था, तो वो आप ही से दरख्वास्त की उसने, तो आपने उसको माफ़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए निकले, हिजरत के लिए गए, तो आपने देखी असबाब और तवक्कुल दोनों साथ चलते हैं। इसकी मिसाल हिजरत का वाकया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने दो ऊँटनियाँ बाकायदा तैयार की थी उसके लिए, हिजरत के सफ़र के लिए दो ऊँटनियाँ तैयार की थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे से ख़रीदी थी एक, के एक मुझे दे दो। हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने पेश करना चाहे तो कहीं कीमत से हम लेंगे, और फिर आपने एक रहबर, माहिर रास्तों का, रास्ते के पेचो खम, कहाँ से रास्ता निकलता है, कहाँ से बच कर निकलना है, अब्दुल्ला बिन उरैकित एक था जो मुशरिकीन में से था, आपने मजदूरी पर उसको लिया। मजदूरी पर आता है सीरत की किताबों में वाकया हिजरत में, उनको उजरत पर लिया कि तुम हमें रहबरी करना। तो तवक्कुल के साथ साथ असबाब भी इख्तियार किए जा रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए इस रहबर की रहबरी के साथ। फिर आप एक गार में आपने पनाह ली, और ये भी अल्लाह ताला पर भरोसे के साथ साथ असबाब को इख्तियार करना के मुशरिकीन को मालूम ना हो सके, उनसे मख्फी रहा रखे अपना मामला, और हिकमत के साथ रुपोश होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल जाएं, हिजरत में कामयाब हो जाएं। इसके लिए तमाम असबाब इख्तियार कर रहे हैं, डायरेक्ट चलते नहीं गए, किसी भी रास्ते से चल दिए, बल्कि जो रहबर था उसकी रहबरी में गए। फिर उस गार में थे तो वहाँ ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ही रिस्क देगा, ये नहीं, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे, वो बकरियां चराकर दिन भर चराते और रात में लाते और दूध पिलाते, और फिर नक्शे कदम को मिटाते हुए फिर जाते
और फिर दिन भर चराते थे। तो ये भी इंतजाम किया आपने, लेकिन साथ साथ इन सब असबाब के साथ साथ अब अल्लाह पर भरोसा करना। देखिए कि जब मुशरिकीन पहुंच गए, बिल्कुल करीब गार के करीब पहुंच गए, तो हजरत सिद्दीक घबरा गए, कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, लौ रआ अहदुहुम तहता कदमैही लरआना, कि अगर कदम के नीचे वो देख लिया उन्होंने तो हम नजर आ जाएंगे। बिल्कुल गार के मुंह पर खड़े थे, वो मुशरिकीन पहुंच गए थे। तो हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु घबराए कि वो नीचे देखेंगे तो हम तो नजर आ जाएंगे, बिल्कुल ऊपर ही है वो लोग। तो गार बड़े बड़े होते थे वो छुपने के लिए, तो हाँ मतलब ये हमारे ऊपर ही है वो लोग और इसी गार में। तो आपने कहा, या बाबा मा ज़न्नु का बिस्नैन, अल्लाहु सालिसुहुमा, अबू बकर तुम्हारा क्या ख्याल है उन दो के बारे में कि इनका तीसरा अल्लाह ताला है। कितने पुर तवक्कुल लहजे में आपने फरमाया, बगैर घबराए हुए फरमाया। और कुरान ने इसको जो नकल किया, इद हुमा फिल गार, जबकि वो दोनों गार में थे, इद यकूलु लिसाहिबिही, जबकि हुजूर अपने दोस्त से कह रहे थे, ला तहजन, गम ना करो, इन अल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। अनज़लल्लाहु सकीनत वाली, अल्लाह ने सकीनत नाजिल कर दी। यह है तवक्कुल, भरोसा अल्लाह ताला के ऊपर, भरोसा इसको कहते हैं। फिर सुराका ने पीछा किया, सुराका ने सो ऊंट के चक्कर में पीछा किया, उस वक्त भी बिल्कुल करीब पहुंच गए थे सुराका। हजरत सिद्दीक बार बार पलट के देखते थे, हुजूर पलट के भी नहीं देखते थे। सिद्दीक परेशान हुए तो आपने उनको फिर कोई तसल्ली दी, गम ना करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। उसके पांव धंस गए घोड़े के, सुराका जिस घोड़े पर पकड़ने के लिए गया था बिल्कुल करीब पहुंच गया था, तो अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, पांव धंस गए घोड़े के, दो तीन बार धंसे। उसने कोशिश की फिर धंस जाते, फिर आखिर उसने पनाह मांगी हुजूर से, वो समझ गया ये उनके साथ अल्लाह ताला की नुसरत है, अल्लाह ताला की ताईद है। तो ये भरोसा अल्लाह ताला के ऊपर, भरोसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और तवक्कुल के साथ अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा, ये मतलूब है। हजरत खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम को जब आग में डाला गया तो उनका जुमला है, आखिरी हदीस शरीफ में आता है कि हसबी अल्लाहु निअमल वकील, दुश्मन ने डाला मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है और वो बेहतरीन वकील। वकील मानना अल्लाह को, यही तवक्कुल, तवक्कुल वकील उसी से बना है। तो ये है भरोसा, बिल्कुल निडर रहे और बेखौफ रहे, अल्लाह ताला जरूर मदद फरमाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला ने फिर मदद फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग को ठंडा कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो हम लोग पूरे तौर पर असबाब इख्तियार करने में मुनहमिक हो जाते हैं और अल्लाह ताला की नुसरत के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं। इलाज मुआलजे में हम पूरे तौर पर मुनहमिक होते हैं और अल्लाह ताला की मदद हासिल करना ही भूल जाते हैं, तो पूरा ही भरोसा हम इलाज पर कर लेते हैं। ये नहीं है, दवा इख्तियार करना और तबीब के पास जाना, लेकिन शिफा अल्लाह ताला की तरफ से समझना, ये तवक्कुल है। और रिस्क तलाश करने में जो मुनासिब तरीका है वो इख्तियार करना, और फिर राजिब अल्लाह तबारक व ताला को समझना और परेशान न होना, ये तवक्कुल है। जब अल्लाह ताला को राजिब समझेंगे तो फिर हम हलाल व हराम का फर्क करेंगे, हम फिर इतने थकेंगे नहीं कि खाना पीना सब छोड़ देंगे, बल्कि जैसा कि है कि रिस्क इंसान को तलाश करता है, जैसा कि मौत तलाश करती है, तो इसके ऊपर यकीन रखेंगे हम और मुनासिब तरीका इख्तियार करेंगे, तो ये अल्लाह तबारक व ताला को पसंदीदा है। अब जैसे आजकल के हालात हैं उसमें भी हम लोग इतने नर्वस हो जाते हैं और बाज़ मरतबा बिल्कुल मायूस होने लगते हैं कि अब तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पीस दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि हम असबाब इख्तियार करते रहे,
اسباب اختیار کرتے رہے مایوسی توکل کے خلاف ہو. اور مایوسی کی وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے, اسباب بھی چھوڑ دیتا ہے اور بس موت کے لیے وہ اسی پر ڈال دیتا ہے کہ بس اب مر جانا ہے. تو یہ توکل کے خلاف ہے. نہیں, اسباب پورے اختیار کرنا چاہیے, ہمیں پلاننگ بنانا چاہیے پوری کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے, کیسے ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے آنا ہے, کیسے ہمیں انجینئرنگ کے میدان میں آگے آنا ہے, کیسے ہمیں اسکیمیں بنانے میں آگے آنا ہے, کیسے تنظیم بنانا ہے ہمیں اپنے سوسائٹی کی اور اپنی جماعت کی تنظیم یعنی نظام ایک ڈسپلن کیسے بنانا ہے, کیسے ہمیں تیاری کرنا ہے کہ جس سے ہم دشمن کے دلوں میں روک ڈال سکیں. یہ اور گھبرانا نہیں, یہ توکل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا کہ ہم اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں, اللہ کے پیغام کے عالم بردار ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, لیکن پھر پورے طور پر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اللہ کے اوپر بھروسہ کرے. تو توکل کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے, انسان پریشان نہیں ہوتا ہے, انسان مختلف جو آج کل ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں اور پھر ذہنی سے وہ دل تک پہنچ جاتی ہیں اور رگ و ریشے میں سمایت کر جاتی ہیں, ڈپریشن, ٹینشن, یہ ساری چیزیں وہ توکل نہ ہونے کے نتیجے ہیں. اگر توکل ہوگا تو آدمی صحیح طریقے سے عمل کرتا رہے گا اور سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا رہے گا. بس آپ یہ ہے کہ احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ کا خیال کرو, اللہ تعالیٰ تمہارا خیال فرمائے گا. فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ توکل ہے جو آج بالکل ہمارے اندر مفقود ہے. باقی اگر ہر ایک آدمی وہ اپنا جائزہ لے تو یہی نظر آئے گا کہ ہم لوگ صرف اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں یا پھر گھبرا جاتے ہیں. اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ تو اسباب نہیں ہے تو ہم گھبرانے لگتے ہیں. تو اسباب کو اختیار کرنا, اور پھر بھی اگر کوئی چیز ایسی پیش آئے جو مخالف لگ رہی ہو تو گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا, بس اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ رکھنا. چاہے پوری دنیا متحد ہو جائے تو بھی یہ بھروسہ رکھنا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا متحد ہو کر کے بھی ہم کو ختم نہیں کر سکتی ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایسے ہی رہیں. اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ساری تیاری کرو. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے قوت تیار کرو. تُلْحِقُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ, ساز و سامان سب ہتھیار اچھے سے اچھے تیار کرو جس سے تم اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں روب پیدا کر سکو. تُلْحِقُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ, اور پھر دوسرے بھی ایسے دشمن منافقین قسم کے تم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے, ان سب کے دلوں میں روب پیدا ہوگا, تیاری کرو. تیاری کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا. حضور کی پوری زندگی یہی بتاتی ہے کہ اگر اسباب نہیں بھی ہے تو ادنا سا سبب اختیار کرنا, یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں, نکال کے لے جا رہے ہیں رات میں اللہ کے حکم سے, تو دشمن پیچھے سے آ گیا. فرعون قوم کہنے لگی کہ اب تو ہم مارے جائیں گے, اب تو سمندر آگے پیچھے. تو توکل بھروسہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسباب اختیار کرتے ہوئے چلے گئے, اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ تھا. کلا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بالکل نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا. ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے, سیہدین, وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی لاٹھی مارو. تو یہ ادنا سا سبب بھی اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا لاٹھی مارنے کے لیے؟ ہوگا تاکہ پتہ چلے کچھ نہ کچھ کرنا ہے بندے کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ کرو پھر ہم مدد کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر راستے جاری کر دیے. جنگ بدر میں کم تعداد تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے نکلوایا, نکال کر کے آپ لے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 پر فتح نصیب فرمائی. تو جو اپنے بس میں ہے وہ اسباب اختیار کر کے اور پھر بھروسہ پورے طور پر اللہ کے اوپر رکھنا, اور ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں, اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے اوپر پورا یقین رکھنا, یہ توکل ہے. یہ
बहुत ही काम आता है। इंसान बिल्कुल खुश रहता है और बिल्कुल सेहतमंद रहता है, तंदुरुस्त रहता है, टेंशन फ्री रहता है, उसका दिलो दिमाग पूरे तौर पर काम करता है, तवक्कुल का ये फायदा होता है। और अल्लाह ताला की खुशी भी साथ में मिल जाती है, फिर उसकी वजह से अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाता है। आखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।